हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑलरेडी यहां पर आज के दिन दो वीडियो आई चुकी हैं इन दोनों वीडियो को जाके आप देखिए इसमें अच्छी-खासी नॉलेज मिलेगी और कल मैं स्टॉक को खरीदने वाला है, है। सोलह मिनट की वीडियो है लंबी वीडियो है बट आपको बताया कि इसमें किस तरीके से पांच के रिटर्न मिल सकते हैं और पहले भी मिले हैं और अब दोबारा मिलने को जा रहे हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते है और हम जानते हैं कि हम किस से रिलेटेड बात करने वाले आज बात करने वाले हमने के और पिज्जा हट इस कंपनी का आने वाला है आईपीओ एक कंपनी है जैसे कि आप McDonald's में देखते हैं तो मैकडी जो बर्गर आते हैं उसकी एक कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट डोमिनोज की डोमिनोज मार्केट में है बट डोमिनोज के नाम से नहीं है वो है जुबिलेंट फूड के नाम से बर्गर किंग अलग है तो यहाँ पर पिज्जा हट हाँ, कोस्टा यहाँ पर कॉफी एज वेल एज बात करें यहाँ पर के इनकी जो कंपनी है एक कंपर्टिकुलर कंपनी ने उसे अंडर ले रखा है मतलब इंडिया में जितनी भी चीजें ये फ्रेंचाइजीज खुलेगी उसी कंपनी के अंडर में खुलती है तो अगर बात करें उससे रिलेटेड बातें करेंगे आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और यहाँ पर आके सीखना है हमारे सीखने के लिए आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखिए बहुत सारी वीडियोज है बाकी आपका डीमेंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है नीचे लिंक पर जाइए क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम बात करते हैं यहाँ पर आज के आईपीओ की कल के दिन भी आईपीओ आया यहाँ पर एनपीएसटी आईपीओ है जो दो तारीख तक चल रहा है, से है। आप देख लीजिएगा काफी अच्छा प्यार दिया है आपने थैंक यू सो, सो मच तो हम बात करते हैं सीधे

655 सौ यहां पर मौजूद है आज की डेट में अगर बात करें मार्च इकतीस दो ब्रांड इंक्लूड आईएनसी ऑपरेट्स मैनी फास्ट फूड ब्रांड्स मतलब इसके यम ब्रांड्स के, के अंडर में आते हैं कौन कौन सा पिज्जा के एफ सी एंड टाको बेल ब्रांड्स ये तीन आते हैं इसके अलावा अगर बात करें तो और भी इसके ब्रांड ब्रांड है जिससे रिलेटेड हम बातें करेंगे देखिए यहाँ पर यहाँ तीन

एमरीली एंड क्रक्स जूस इनिशियली द बिजनेस स्टार्ट विदा पिज्जा स्टोर इन जयपुर मतलब पहले पिजा पीज़, पिज्जा हट का स्टोर इनका आया था बट सब सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडि ऑपरेशन इन बोथ के एफ सी एंड पिज्जा तो धीरे धीरे इन्होंने देखिए के एफ सी भी यहाँ uh, पर लाया पिज्जा हट भी यहाँ पर लेके आया और अगर बात करें इट ऑपरेज टू सिक्सटी फोर के वी एफ सी स्टोर मतलब दो सौ चौंसठ के एफ सी स्टोर है इसके अलावा बात करें 297 मतलब दो सत्तानवे के आसपास इनके पिज्जा स्टोर है और 44 फोर यहाँ पर कोस्टा कॉफी स्टोर है इन इंडिया केवल इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ तो अगर बात करें तो देखिए जोमेटो है वो भी नेगेटिव में था यहाँ पर पिज बर्गर किंग आया वो भी आज भी अगर देखेंगे वो नेगेटिव में रिजल्ट पेश करता है बात करें यहाँ पर मैकडोनल्ड की वो भी यहाँ पर नेगेटिव में ही है तो यहाँ पर अगर बात करें के एफ़ सी पिज़्जा की ये भी नेगेटिव में ही है तो यहाँ पर अगर बात करें जो ये फास्ट फूड चेन है ना ये अपने आप को पहले एक्सपेंड धीरे 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 एक्सपेंड करते हैं ओके okay, और एक्सपेंड करने के लिए इन्हें लगता है बहुत सारा कैपिटल क्योंकि अगर बात करें टू सिक्सटी फोर यहाँ पर KFC के एफ सी के टू नाइन्टी फोर यहाँ पर पिज्जा हट के फोर्टी फोर कोस्टा कॉफी के तो ये ईजी नहीं होता कि क्या कहते हैं एक दो रुपये एक लाख

और जो जो भी इनका फास्ट फूड चेन होती है इसी तरीके से माइट बी हैपन कि यहाँ पर इन्होंने के और पिज्जा हट के स्टोर्स यहाँ पर बाई किए हो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगते ही है जैसे कि अगर बात करें डी मार्ट डी मार्ट भी ओन करके करता है तभी वहां पर आप जाते हो उनका उनके यहाँ पर परचेजिंग करते हो तो आपको बड़े सस्ते दाम पे मिलते हैं ऑनलाइन के कंपेरिजन में एज वेल एज आपके जो नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स होती है इसलिए वो एक कॉम्पिटिटर है इसलिए वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो शायद इसी तरीके का बिजनेस होगा तो स्टार्टिंग में शायद उन्हें हो कि काफी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा

जगह वो अलग दूसरी तरीके के बर्गर मतलब इन, इन का माहौल शहरों में तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है जैसे जैसे गाँव में भी इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा अर्बन एरियाज में तो धीरे धीरे वहां पर भी इस तरीके का कल्चर आ सकता है और आ भी रहा है लोग खाना पसंद करते ही है तो इसलिए यहाँ पर अगर बात करें तो सेम बिजनेस है सेम मॉड्यूल है लोग कहेंगे नेगेटिव है वैल्यूएशन आई हाँ है जैसे कि जोमेटो केस में कहा था तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा इस केस में आप अप्लाई इस तरीके से नहीं कर सकते बट यहाँ पर अप्लाई करके आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं ओके और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखना है आपको सिंपली लिस्टिंग गेन के लिए रहना है आपको मिला लॉट आपने यहाँ आप पर बेचा ओके okay, उसके बाद नीचे आएगा दैट एट टाइम वी विल थिंक यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पर सुधरती हुई आएगी एट दैट टाइम वी विल थिंक और फिर उस टाइम हम खरीदेंगे चाहे पांच रुपए महंगा खरीदे या दस रुपए महंगा खरीदे डज मैटर मेटर तो इसी तरीके के ये बिजनेस है तो पहले ये एक्सप्लेनेशन था तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट वगैरह दिया था यम ब्रांड्स के नाम से इनका जाना जाता है आईपीओ इनका आ आई ही रहा है यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनके पार्टनर है क्या क्या इनका विजन है किस तरीके से इनके फाइव प्लस फिफ्टी थाउजेंड रेस्टोरेंट है तो जाके तो जा देख सकते हैं इसके अलावा और कुछ पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इनकी देख सकते हैं तो एक तो वेल रिकोग ब्रांड है जैसे पता ही है लोग कहते हैं भाई चिकन खाना है तो के एफ सी का खाना है और बर्गर भी खाना

इसके हुआ मतलब बढ़ गया फिर उसके बाद घटता हुआ दिखाई दिया रेवेन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर तो देखिए पूरा पर बीच में दो बार लॉकडाउन लग चुका है तो इसलिए यहाँ पर ये कम हो नहीं था बट यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहे थे इससे पहले जो कि हमें देखना चाहिए और शायद लॉकडाउन खत्म हो जाए कंप्लीटली तो ये दोबारा बढ़ता हुआ नजर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए जोमेटो का जब आईपीओ आया था उसमें जो नेगेटिव ही था बट यहाँ पर नेगेटिव कम होता हुआ दिखाई दे रहा था बट इस केस में अगर देखे तो 592 मिलियंस इन रुपीस नेगेटिव 787 फिर नेगेटिव फिर उसके इस रिसेंट ईयर ईयर की बात करें तो 813 थर्टीन यहाँ यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है बट मार्केट ऐसे चल रही है लो पीपल आर लाइक क्रेजी फॉर द आई एंड ऑल तो इसलिए रिटेल इन्वेस्ट एच एन आई जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो भर ही रहे बट रिटेल इन्वेस्टर क्रेजीएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन तो मतलब अगर बात करें उन्होंने पागलों की तरह वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें चाहे उन्हें कि काफी लोगों को इसके बारे में पता है काफी लोगों को नहीं पता वैल्यूएशन के बारे में बस आ गया हाँ जोमेटो का IPO आ गया लगा दिया KFC का IPO लगा दिया आ गया लगा दिया तो इस तरीके से चल रहा है तो इस कर तरीके में क्या हो रहा है कि इनकी जीएमपी भी आ रही है इनकी जो प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो अच्छा खासा चल रहा है तो इस वजह से अच्छा खासा इन्हें वैल्यूएशन मिल रहा है और जो साठ करोड़ की कंपनी है वो क्या कहते हैं एक लाख डेढ़ लाख करोड़ की कंपनी बन रही है इस तरीके से चल रहा है बट जो काम करके चल रही है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो काम करके नहीं चल रही उसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं बट यहाँ पर अगर बात करें लिस्ट जो कंपनी लॉस में है उधर लॉन्ग टर्म के व्यू से सोचना बहुत बेवकूफी होगी क्योंकि हम अपने जितने भी वीडियोस हमने आज तक बनाए

अभी ये आई पी ओ इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी तक कंप्लीट डिटेल्स नहीं आई है बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये जब यहाँ पर आएगी कंप्लीट डिटेल्स जी एम पी भी आएगा एज वेल एज इसके प्राइजेस भी आएंगे प्राइस बैंड आएगा वो एट द टाइम वी विल अगेन मेरे का वीडियो है शॉर्ट और फिर उस टाइम आज आज की वीडियो देखने के बाद उसे देखेंगे तो सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आई पी ओ की डेट की बात करें तो कि चार अगस्त को आ रहा है और छः अगस्त को यहाँ पर ये यह क्लोज हो जाएगा बात करें इशू टाइप तो बुक बिल्डिंग इशू होगा एक पर्टिकुलर प्र, दो प्राइस होंगे तो आपको कट ऑफ पे लगाना है फेस वैल्यू की बात करें एक रुपए की फेस वैल्यू है तो यहाँ पर एक रुपए की फेस वैल्यू ऐसी जोमेटो की भी थी तो कम से कम दस रुपए की फेस वैल्यू है एट द टाइम मजे आते हैं थोड़ा सा क्योंकि बाद में हमें चांसेस रहते हैं कि स्प्लिट होगा इस तरीके से और फिर वैल्यूएशन उस तरीके से कम आ, कम दिखाई देता है बट कोई नहीं देखेंगे बी एस सी एन एस सी दोनों पे लिस्ट होगा मार्केट लॉक मिनिमम लॉट यहाँ पर कुछ नहीं आया है इश्यू साइज यहाँ पर नहीं आया बट अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश इशू होगा चार सौ चालीस करोड़ रुपए का वेल एज ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहां पर देखिए अगर मैं, मैं बात करूं पंद्रह करोड़ तिरपन लाख तैतीस हजार मतलब इतने शेयर यहां पर ओएफएस में आएंगे तो आप समझ लीजिए मतलब ओएफएस ज्यादा आ रहा है यहां पर इशू कम है तो यहां पर लोग अपने जो प्रमोटर्स है वो यह शायद यहां पर हिस्सेदारी बेचना चाहते होंगे तो इस वजह से वो इस मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं तो यही सब है अगर बात करें यहाँ पर ये यह कंपनी देखिए चार को आएगा छह को यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ग्यारह तारीख को यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट पता चल जाएगी किसे मिला है किसे नहीं मिला है बारह तारीख को पैसे इनिशिएट कर दिए जाएंगे और तेरह तारीख को अकाउंट में यहाँ पर शेयर आ जाएंगे और सोलह तारीख को शायद यहाँ पर अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर मंडे होगा तो मंडे के दिन शायद यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर देखते हैं कि आईपीओ में क्या होगा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं

से काम लेना है, आपको के बात करें यहाँ पर इसकी भी जीएमपी नहीं दे रखी थी अदरवाइज बट कोई नहीं है आ, वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए वीडियो दोबारा बनाएंगे और वी विल डिस्कस अगेन इट ओके और सारी की सारी डिटेल so, थैंक यू सो मच गॉर्ड ब्लेस